हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम खीरे का रायता बनाएंगे। खीरे और टमाटर दोनों का मिक्स रायता बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज में ली है। ये खीरा मैंने दो खीरे लिए हैं, नहीं तीन खीरे लिए हैं। तो इनको बीच का पार्ट मैंने ग्रेट नहीं किया है और ये मोटे वाले पार्ट से इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया। और ये बीच का बीज वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, अभी ग्रेट नहीं करेंगे, बीच वाला पार्ट छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये टमाटर भी मैंने बीज का पार्ट छोड़ दिया और बारीक कटिंग कर ली है। इन दोनों को मिला के हम रायता बनाएंगे। तो ये दही है मेरे पास, करीब एक बड़ा बॉल के करीब दही है। इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये ठंडा है। चिल्ड दही अच्छा रहता है रायते के लिए। और ये मैंने सफ़ेद नमक और काली मिर्च पिसी हुई और ये काला नमक और हरी मिर्च को बारीक कटिंग कर ली है और हरे धनिया को भी कटिंग कर ली है। तो इन सब को मिला के अभी हम खीरे और टमाटर का रायता बनाएंगे। गर्मी में ये बहुत अच्छा रहता है, ठंडक देता है, डाइजेशन के लिए भी ठीक रहता है फ्रेंड्स। और खाने में कभी भी आप इसे खाएंगे, कोई भी डिनर या लंच कभी भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खाने का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये खीरे को मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर में, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। खीरे को मैं पहले डाल देती हूँ दही में, ये बहुत जल्दी बन जाता है, आप कभी भी इसे बना कर खाएं, बहुत जल्दी बन जाता है। और इसमें टमाटर भी डालूंगी, ये टमाटर डाल दी और थोड़ी मैं गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ फ्रेंड्स। ये काला नमक डाल रही हूँ और ये सफ़ेद नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये काली मिर्च, काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ी सी ये हरी मिर्च डाल रही हूँ और ये हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं बचा लूँगी। तो ये सब मैंने डाल दिए, अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हरे धनिए और अनारदाने से गार्निशिंग कर दिए और इसे आप चिल्ड ही सर्व करेंगे तो बहुत मस्त लगेगा। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए करीब गेस्ट वगैरह के आने से पहले, या जब भी आप सर्व करना चाहते हैं तो आप आधे घंटे तक कम से कम इसे फ्रिज में रखेंगे, चिल्ड ही बहुत मस्त लगेगा। तो आप बनाइए ये खीरे और टमाटर का रायता। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।